नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, गाजर का वैज्ञानिक नाम डॉकस कैरोटा है और ये मूल रूप से यूरोप और दक्षिण पश्चिम एशिया में उगाई जाने वाली सब्जी है, पर अब ये पूरी दुनिया भर में उगाई जाने लगी है और भारत में इसे अनेक नामों से जाना जाता है। इसे हिंदी में गजारा, तेलुगु में गजारा गड्ढा, मलयालम में मंगल मुलुंगी, कन्नड़ में गजारी, मराठी में गाजर, पंजाबी में गजर और बंगाली में गुजर या गजर कहा जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो गाजर हेल्थ के लिए सर्वोत्तम आहार में से एक है। गाजर जो है वो अनेक पौष्टिक गुणों से भरपूर है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन B8, पेंटोथेनिक एसिड, फॉलेट, पोटेशियम, आयरन, तांबा और मैंगनीज जैसे और भी कई मिनरल और विटामिन पाए जाते हैं। गाजर में अधिक मात्रा फाइबर और बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो कि हेल्थ के लिए इसे अत्यंत उपयोगी बनाता है। और अच्छी बात तो ये है कि गाजर पूरे वर्ष बाजार में आसानी से उपलब्ध होती है। ये विटामिन और मिनरल का एक अच्छा स्रोत है। गाजर कोलेस्ट्रॉल, हार्ट रोग और कैंसर के खतरों को कम करता है। ये बेहतर दृष्टि और समय से पहले उम्र बढ़ने के संकेतों को भी कम करता है। और इसके अलावा गाजर में त्वचा को सुधारने, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने, पाचन में सुधार करने और मौखिक हेल्थ को अच्छा करने के भी गुण होते हैं। दोस्तों, बात की जाए गाजर के फायदों के बारे में तो इसका सबसे पहला फायदा होता है आंखों के लिए। स्वस्थ दृष्टि गाजर के सबसे उत्तम स्वास्थ्य गुणों में से एक है। गाजर में विटामिन ए की अधिक मात्रा पाई जाती है, जो कि आँखों के हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसके अलावा गाजर में उपस्थित बीटा कैरोटीन मोतियाबिंद और उम्र से संबंधित मोतियाबिंद से आंखों की रक्षा करता है। गाजर में बीटा कैरोटीन, ल्यूटीन और जैक्सेंथिन मौजूद है, जो कि आंखों के हेल्थ के लिए आवश्यक घटक है। इनमें से केवल एक की कमी ही आंखों की समस्या का कारण बन सकती है। बीटा कैरोटीन की कमी के कारण मैक्यूलर डिजेनरेशन और अंधापन हो सकता है, जबकि गाजर में शामिल अन्य पोषक तत्व बुढ़ापे के दौरान दृष्टि से किसी भी नुकसान को रोकने के लिए आवश्यक होते हैं। एक स्टडी से पता चला है कि बीटा कैरोटीन का सेवन करने से मैक्यूलर डिजेनरेशन का खतरा 40% तक कम हो सकता है। तो आज से ही गाजर खाना आरंभ करें और अपने आंख के हेल्थ में सकारात्मक प्रभाव महसूस करें। दूसरा जो इसका फायदा होता है वो होता है कि ये कैंसर के खतरे को कम करता है। गाजर के कैंसर विरोधी गुण इसके हेल्थ लाभ की अन्य उपलब्धि है और गाजर में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कैरोटीनॉइड एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरा हुआ है, जो कि शरीर को फ्री रेडिकल क्षति से बचाता है और शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाकर बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। अनुसंधानों से में भी ये साबित किया गया है कि गाजर में उपस्थित फाइटोन्यूट्रिएंट्स और अन्य घटक कैंसर के विकास को रोकने में सक्षम हैं। ज़्यादातर स्टडी के अनुसार गाजर के रस का 1 से 1.5 कप कुछ हफ्तों के लिए दैनिक रूप से पीने से कैंसर पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और इसके अलावा गाजर का नियमित सेवन फेफड़ों के कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करने में भी उपयोगी है। साथ ही साथ दोस्तों, गाजर जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को सामान्य रखता है। गाजर दिल और ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए अत्यंत फायदेमंद है। ये बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन और ल्यूटीन से भरपूर है, जो काफ़ी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है और कोलेस्ट्रॉल और दिल का दौरा पड़ने के खतरे को कम करने में भी मददगार है। इसके अलावा गाजर में पोटेशियम आपके रक्त वाहिकाओं और धमनियों को फैलाकर रक्त प्रवाह और परिसंचरण को बढ़ाता है, जिससे कि हार्ट प्रणाली पर कम तनाव पड़ता है। तो अगली बार जब भी आपको तनाव महसूस हो और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगे तो फटाफट एक गाजर का सेवन करें। साथ ही साथ दोस्तों, ये आपके मौखिक स्वास्थ्य में भी सुधार करता है, आपकी ओरल हेल्थ में सुधार करता है। गाजर आपके ओरल हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है और इस स्वास्थ्यवर्धक एवं स्वादिष्ट सब्जी को चबाकर खाने से दांत के मैल और उसमें फंसे भोजन के कण दूर हो जाते हैं, जो कि आपके दांत और मसूड़ों को साफ रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा गाजर सलाइवा यानी कि लार के उत्पादन को बढ़ाता है और स्वाभाविक रूप से ये क्षारीय होने की वजह से मुंह में एसिड के प्रभाव को संतुलित करता है और इसका क्षारीय प्रभाव मुंह में बैक्टीरिया के विकास पर भी रोक लगाता है, जो कि कैविटी, मुंह की बदबू और अन्य मौखिक स्वास्थ्य समस्याओं को दूर रखता है। गाजर विटामिन सी का भी एक अच्छा स्रोत है, जो कि योजी तंतु यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज़, दांत और मसूड़े के हेल्थ को अच्छा रखता है। तो सालों साल अपने दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए गाजर को मजे से चबा चबा कर खाएं। साथ ही साथ दोस्तों, ये आपको
दिल की बीमारियों से बचाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के अनुसार जो लोग रोज़ाना गाजर का सेवन करते हैं उनमें 68% तक स्ट्रोक से ग्रस्त होने की संभावना कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त दैनिक रूप से एक गाजर खाने से 68% तक दिल के दौरे के खतरे को कम किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो कि दिल के दौरे के खतरे को कम करने में हमारी मदद करता है। इसके अतिरिक्त स्ट्रोक के होने के खतरे को कम करने के लिए कम से कम एक हफ्ते में 5 बार गाजर खाना शुरू कर दें। साथ ही साथ दोस्तों, ये आपकी त्वचा को भी निखारता है। एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए का एक प्रचुर स्रोत होने की वजह से गाजर आपकी त्वचा के निखारने और हेल्थ के लिए भी बहुत उपयोगी है। गाजर सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से त्वचा की रक्षा करता है और क्षतिग्रस्त त्वचा के टिश्यूज़ के सुधार में भी मदद करती है। गर्मियों में गाजर का रस पीने से गाजर त्वचा के लिए एक शक्तिशाली प्राकृतिक सूर्य ब्लॉक के रूप में कार्य करती है। ये त्वचा को नम रखती है और मुहासे, रंजकता यानी कि पिगमेंटेशन, धब्बे और असमान त्वचा टोन से त्वचा का बचाव करती है। इसके अलावा गाजर त्वचा को स्वस्थ और चमकदार रखने के लिए भी उपयोगी है। त्वचा को एक नया निखार देने के लिए आप गाजर से चेहरे के लिए एक सरल और आसान या फेस मास्क जो है वो बना सकते हैं। थोड़े से शहद में 2 बड़े चम्मच कसे हुए गाजर को मिक्स करें और चेहरे और गर्दन के क्षेत्र पर लगाएं। मास्क के अच्छी तरह से सूखने पर इसे गर्म पानी से अच्छे से धो लें। साथ ही साथ दोस्तों, ये आपके पाचन जो है उसको भी स्वस्थ रखता है, आपके डाइजेशन को स्वस्थ रखता है। गाजर में पर्याप्त मात्रा में फाइबर होता है जो कि पाचन स्वास्थ्य को बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गाजर में उपस्थित फाइबर मल त्यागने की क्रिया को नियमित और उत्तेजित तो करता ही है, परंतु साथ ही में ये मल को पाचन तंत्र के माध्यम से आसानी से पारित करने के लिए भी मददगार है। और इसके अलावा ये आमाशय रस के स्त्राव को भी उत्तेजित करता है। साथ ही साथ ये आपकी लीवर रक्षा के लिए भी उपयोगी है। गाजर आपके लीवर की पर्यावरण रसायन के विषाक्त प्रभावों से रक्षा करती है। इसमें अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है जो कि शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में एक अहम भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त ये लीवर में पित्त और जमा हुए जो वसा है यानी कि फैट है उसको कम करने में सहायक है। इसमें घुलनशील फाइबर भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो कि मल त्यागने की क्रिया को उत्तेजित करके आपके लीवर और कॉलन को स्वच्छ रखने में मदद करता है। नियमित रूप से गाजर का सेवन लीवर में जलन, सूजन और इन्फेक्शन को कम करता है, जिससे कि हेपेटाइटिस, सिरोसिस और पित्त स्थिरता जैसी लीवर समस्याओं से लीवर को संरक्षण मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों, ये डायबिटीज़ को भी नियंत्रित करता है। गाजर में भले ही चीनी की अधिक मात्रा पाई जाती है, लेकिन जो लोग शुगर रोगी है उनके लिए ये एक स्वस्थ विकल्प है, क्योंकि गाजर में उपस्थित प्राकृतिक चीनी शरीर द्वारा आसानी से ग्रहण की जा सकती है। हालांकि गाजर एक अपेक्षाकृत उच्च ग्लाइसेमिक सूचकांक है, परंतु इसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत ही कम है। इसके अलावा गाजर में निहित कैरोटीनॉइड्स रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करके उसे कम करने में मदद करते हैं। ये इंसुलिन प्रतिरोध को भी प्रभावित करके मधुमेह रोगियों को मधुमेह से लड़ने में मदद करते हैं। गाजर में मौजूद महत्वपूर्ण जैविक क्षारीय तत्व रक्त शर्करा के स्तर को संतुलित करने में मददगार हैं। स्वस्थ जीवन जीने के लिए मधुमेह से पीड़ित लोग रोज़ाना 1 कप पके हुए गाजर का सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, गाजर के रस के जो फायदे हैं वो आपकी बढ़ती उम्र को रोकते हैं, यानी कि एंटी एजिंग के लिए। यदि आप आगे आने वाले कई सालों तक खूबसूरत और जवान दिखना चाहते हैं तो अभी से ही रोज़ाना गाजर खाना शुरू कर दीजिए। गाजर के उम्र छुपाने और बुढ़ापे से लड़ने के गुणों की वजह से इसे बुढ़ापे को कम करने वाली सब्जी की भी उपाधि दी गई है। ये मुख्य रूप से गाजर में बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण है, जो कि मेटाबॉलिज्म को संचालित करके कोशिकाओं के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा विटामिन सी का समृद्ध स्रोत होने की वजह से गाजर कोलेजन के उत्पादन में भी सहायक है। कोलेजन त्वचा के लचीलेपन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि झुर्रियाँ, रेखाएँ और उम्र बढ़ने के लक्षण को रोकने में मदद करता है। युवा स्थिति को बनाए रखने के लिए बस रोज़ाना गाजर के रस का 1 गिलास पिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि गाजर के नुकसान क्या होते हैं। तो दोस्तों, चूंकि गाजर स्वादिष्ट होने के साथ साथ एक बहुत ही उत्तम स्वास्थ्यवर्धक आहार भी है, तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि आप इसका अत्यधिक सेवन कर लें। परंतु इसके अधिक सेवन से सावधान रहें, क्योंकि इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से आपको इसके कुछ दुष्प्रभावों का सामना भी करना पड़ सकता है। जैसे कि गाजर बीटा कैरोटीन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है, जो कि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी की पूर्ति करता है। परंतु यदि आप इसका सेवन बहुत ही अधिक मात्रा में करेंगे तो इससे आपके शरीर का रंग फीका पड़ सकता है।
संभवतः आपको गाजर से एलर्जी भी हो सकती है। गाजर में चीनी का अधिक स्तर है, इसलिए यदि आप डायबिटीज से ग्रस्त है तो गाजर का सेवन कच्चे रूप में ना करके उबाल कर करें। अधिक मात्रा में गाजर खाने से आपके शरीर द्वारा मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, जिंक वगैरह जैसे खनिजों के अवशोषण पर असर पड़ सकता है। तो यदि आप उचित मात्रा में गाजर का सेवन करें तो इससे आपके पाचन हेल्थ में सुधार आ सकता है। तो वही दूसरी ओर अधिक मात्रा में इसका उपभोग करने से आपको गैस, दस्त, पेट फूलना, पेट दर्द वगैरह जैसी पाचन संबंधित विकारों से गुजरना पड़ सकता है। अधिक मात्रा में गाजर या फिर उसके जूस का सेवन करने से स्तन के दूध का जो स्वाद है वो बदल जाता है, और इसीलिए स्तनपान करा रही महिलाओं को इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए और स्वादिष्ट गाजर का सेवन कर बीमारियों को अलविदा कहें और सेहत बनाएं। और दोस्तों बात की जाए गाजर के कुछ अन्य फायदों की, तो पोटेशियम की कमी रूखी त्वचा का कारण हो सकती है। गाजर जो है ये पोटेशियम में समृद्ध होता है और इसीलिए गाजर का रस पीने से आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है और आपकी त्वचा हाइड्रेटेड बन सकती है। गाजर के रस का सेवन आपके बालों को लंबे और घने बनाने में मदद करता है। गाजर में शामिल विटामिन सी और विटामिन ई आपके बालों को लंबा करने में और समय से पहले बालों को सफ़ेद होने से रोकते हैं। गाजर में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। गाजर में मौजूद बीटा कैरोटीन घावों का इलाज करने में मदद करता है और गाजर में फाइबर होता है जो कि वजन को कम करने में मदद करता है। और दोस्तों बात की जाए कि गाजर खाने का सही तरीका क्या है, तो गाजर को सब्जी के रूप में खाया जाता है। इसे आलू, मेथी, मटर वगैरह अनेक सब्जियों के साथ मिलाकर भी खाया जा सकता है। गाजर की सब्जी काफ़ी स्वादिष्ट बनती है। सर्दियों में गाजर का हलवा या मिठाई बनाकर खाएं, ये हर घर में बनाया जाता है और हर किसी व्यक्ति को स्वादिष्ट लगता है। गाजर का जूस निकालें और उसे पिएं, यह आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है और आप गाजर को कच्चा या सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। और बात की जाए कि गाजर खाने का सही समय क्या होता है, तो गाजर खाने का सही समय इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे अपने आहार में क्यों शामिल करना चाहते हैं। गाजर को खाना खाने से पहले खाएं, यह आपके पाचन में मदद करेगा। खाना खाते समय गाजर का सलाद भी खाया जा सकता है। दोपहर में गाजर का सेवन करना सबसे फायदेमंद माना जाता है, पर रात को सोने से पहले गाजर का सेवन शरीर के लिए सही नहीं होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।